तो नमस्कार किसान साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो यश गोट फार्मेंस सीड्स इस YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, फिलहाल हम थाईलैंड दौरे में हैं और थाईलैंड दौरे में हम कंचनापुरी एरिया में हैं। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा डेयरी फार्म मिला है और डेयरी फार्म में वो अपने पशुओं के लिए क्या खिलाते हैं, यह आपका अहम प्रश्न था, तो वो हमें मिल गया है। किसान साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर नेपियर ग्रास लगा हुआ है और ये नेपियर ग्रास ये चाप करके अपने पशुओं के लिए खिलाते है। तो जैसे किसान साथियों, मैंने नेपियर घास के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसी तरह से ही किसान साथियों, ये नेपियर घास यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हो, शायद ये 3.5-4 फीट का यहाँ पर इसका अंतर होगा और यहाँ पर एक पौधा इन्होंने लगाया है। और अभी इसका हाइट देख सकते हो, 5-6 फीट तक इसका हाइट बढ़ा है और बहुत नेपियर घास की आप देख सकते हो, तकरीबन यहाँ से एक 200-300 फुट तक यहाँ पर नेपियर घास है। और उसके बाद किसान साथियों, यहाँ पर पशुओं को डालने के लिए यहाँ पर मक्का मिली है। तो ये मक्का हमसे थोड़ी सी अलग है, आप देख सकते हो, इसका हाइट थोड़ा सा एक 2.5-3 फीट तक, 3.5 फीट तक है और इसको ऊपर से देखो कनिस आ गया है, भुट्टा आ गया है, तो शायद ये स्वीट कॉर्न होगी, बेबी कॉर्न माइज होगी। तो इसको लगाया किस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पानी जाने के लिए यहाँ से एक नाली बनाई है और नाली के दो साइड से इन्होंने ये मक्का यहाँ पर बोई है। तो यहाँ पर मक्का हमें देखने को मिली है और इसके साथ साथ किसान साथियों, इस यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर मक्का का फिर से एक प्लांट है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मक्का हो गई है और नेपियर ग्रास है। और यहाँ का जो छोटा सा डेयरी फार्म है, वो डेयरी फार्म किस तरह से है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पर नेपियर घास हमें देखने के लिए मिला है। नेपियर घास के अलावा यहाँ पर देख सकते हो, हम बकरियों के लिए जो सुबाबुल हमारे इधर डालते हैं, वैसी सुबाबुल इनके, ये थाई सुबाबुल है, थोड़ी सी अलग दिख रही है। तो इनके खेत के जो बाउंड्री से है, हमें सुबाबुल भी देखने को मिली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, केलों के पौधे यहाँ पर है, सीताफल का यहाँ पर झाड़ है। तो इनका डेयरी फार्म कैसा है, छोटा सा डेयरी फार्म है, हम डेयरी फार्म दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, जो गायों का जो गोबर होता है, गोबर यहाँ पर डाला हुआ है। तो किसान साथियों, यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर 3 गाय है और उनका छोटा एक बच्चा है। और ये गायों को खाने के लिए क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पर नेपियर घास ही कट करके चाप करके इसमें यहाँ पर डाला है। और ये गाय कौन सी नस्ल की है क्या है, आप देख सकते हो, और बड़ी बड़ी गाय है, 4 गाय यहाँ पर अवेलेबल है। और जिन गायों को जो फार्मर संभालते हैं, वो फार्मर भी यहाँ से आ गए, आप देख सकते हो यहाँ से गायों को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बनाया है, गहवान बनाया है और इसमें नेपियर घास चाप करके डाला है। और गायों को पानी पीने के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा टंकी यहाँ पर बना लिया है। और इस तरह से यहाँ पर किसान साथियों, हमें एक छोटा सा डेयरी फार्म मिला है और जो भी मिला है वो दिखाने का हमने आपको प्रयास किया है। देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर हमें गाय मिली है देखने के लिए। नीचे इन्होंने जो बनाया है, पूरा कॉन्क्रीट किया है और यहाँ से गोबर जो होता है, गोबर ये ट्रॉली में निकाल कर यहाँ पर सीधा फैला देते है, सुखा देते है। तो थाईलैंड के एरिया का जो परिसर है किसान साथियों, देख सकते हो आप कैसा यहाँ पर परिसर है। कुछ नारियल के झाड़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, साइड से पूरा हरा भरा वातावरण है। तो ये छोटा सा डेयरी फार्म हमने देखा है, डेयरी फार्म के ओनर भी हमारे साथ है। तो नेपियर घास ये अपने पशुओं के लिए खिलाते है और मक्का है, मक्का भी कुछ खिलाते है, हमने देखा है, दिखाई दिया है आपको, मक्का के भी प्लांट यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और चारा खेत से लाने के लिए इन्होंने जो जुगाड़ बनाया है किसान साथियों, वो जुगाड़ भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, देख सकते हो। वैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सब छोटी छोटी स्कूटी या गाड़ी है और स्कूटी गाड़ी को इन्होंने एक जुगाड़ बनाया है। इस जुगाड़ में ये नेपियर घास होता है, ये नेपियर घास ये लाते है, देख सकते हो। थाईलैंड का नेपियर घास आपने अभी तक इंडियन का नेपियर घास देखा है, ये थाईलैंड वाला नेपियर घास है। और यहाँ से फिर इसको चाप किस तरह से किया जाता है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किसान साथियों। इनके घर भी कैसे होते हैं आप देख सकते हो,
ऊपरी हिस्सों पर जैसे गोट फार्म बने होते हैं वैसे ही ऊपरी हिस्से पर इनके घर होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो मक्का इन्होंने लाई है, और यहाँ पर चाप कटर है, इन चाप कटर से चाप करके वो अपने गायों को चारा खिलाते हैं। फिलहाल रास्ते में एक छोटा सा डेयरी फार्म ढूंढकर हमने निकाला था। इनके घर बहुत ही सुंदर है किसान साथियों, लाजवाब है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो आप इनके जो बंगलो है, बंगलो किस तरह से होते हैं आप देख सकते हो। ये पूरा विलेज गांव है, मगर कोई इसको कह नहीं सकता है कि ये विलेज गांव है। बहुत ही जबरदस्त ये थाईलैंड के गांव है, सभी गांव से। तो आज का एक डेयरी फार्म किसान साथियों हमने दिखाया है, और भी हम रास्ते से आगे जा रहे हैं। जैसे भी डेयरी फार्म गोट फार्म हमें देखने को मिलेगा, जो भी चारा देखने को मिलेगा हम आपको दिखाने का प्रयास कर देंगे। आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, इससे क्या होगा कि सभी वीडियोस आपको देखने को मिलती जाएगी। रुकते आज की इस वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।